हे एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो लोकेटर पैकेज के बारे में। तो जो जियो लोकेटर पैकेज होता है वो हमारी हेल्प करता है लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें करने में, जैसे कि हमारे डिवाइस की करंट लोकेशन जानने में और किसी दूसरी पोजिशन से उसकी दूरी जानने के लिए। तो मतलब लोकेशन बेस्ड जितनी भी तुम्हारी चीज़ें होती हैं वो सारी हम जियो लोकेटर को यूज़ करके कर सकते हैं। तो देखते हैं कि उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और उसका सेटअप कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमेशा की तरह ये रहा मेरा डिफॉल्ट कोड, ठीक है, void main my app stateless widget, और ये रहा हमारा होम पेज स्टेटफुल विजिट। तो सबसे पहले हमें जियो लोकेटर को सेटअप करना है, ठीक है। सबसे पहले उसे सेटअप कर लेते हैं। तो मैं चलाऊँगा क्रोम और जाऊँगा pub.dev पे। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे जियो लोकेटर और ये वाला पैकेज, ठीक है, जियो लोकेटर। इसे ओपन करो और इंस्टॉलिंग में जाओ। चाहे तो ये वर्ज़न यहाँ से कॉपी कर लो या फिर अपने टर्मिनल में ये वाली कमांड लिख के भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे तुम्हारा मन हो वैसे कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और जाके अपनी pubspec.yaml फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज में उसे पेस्ट कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसे यहाँ पे सेव करूँगा तो फ्लटर पब गेट अपने आप रन हो जाती है VS कोड में। अगर बाई चांस तुम और कोई सी IDE यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे ऐसा नहीं होता तो तुम टर्मिनल में जाके लिख सकते हो फ्लटर पब गेट, ठीक है। उससे तुम्हारे जो भी नए पैकेजेस होंगे, हमारे केस में जैसे हमारा जियो लोकेटर, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो जियो लोकेटर पैकेज हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमें इसका आगे का सेटअप करना होगा। तो आगे के सेटअप के लिए वापस आएंगे हम क्रोम के अंदर pub.dev में। अब यहाँ पे हम जाएंगे रीडमी में। तो इस रीडमी के अंदर हमें पूरी हेल्प दे रखी है कि हमें इस पैकेज को कैसे यूज़ करना है और क्या करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड्रॉयड में, क्योंकि अभी हम एंड्रॉयड पे वर्क करने वाले हैं। तो एंड्रॉयड में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये दो चार चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर में होती है, तो इसकी तो तुम टेंशन मत लेना। और ये सेकेंड स्टेप भी तुम चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कंपाइल SDK वर्जन 30 है या नहीं। तो वो करने के लिए वापस आएंगे VS कोड में, जाएंगे एंड्रॉयड में, ऐप में build.gradle, ठीक है। इसके अंदर नीचे आएंगे तो कंपाइल SDK वर्जन हमारा 30 है और यहाँ पे भी वो हमें 30 यूज़ करने को कह रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें 30 मिला है। लेकिन हाँ, तुम यहाँ पे ये मिनिमम SDK वर्जन देख रहे हो, यहाँ पे ये मेन SDK वर्जन, तो इसे 21 या फिर अबव मैं रिकमेंड करूँगा 21, क्योंकि ज़्यादातर पैकेजेस 21 पे चल जाते हैं आज तक मैंने जितने भी यूज़ करे हैं ज़्यादातर। तो कंपाइल SDK वर्जन 30 और मिनिमम SDK वर्जन 21। तो ये तो हो गया हमारे दो स्टेप। अब और नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे ये परमिशंस यूज़ करनी है, देख रहे हो, हमारे डिवाइस की हमें लोकेशन परमिशंस यूज़ करनी होंगी ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोकेशन यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमें ये दो और ये वाली तीसरी वाली परमिशन भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसे इन दोनों को कॉपी करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर तुम इसे सिलेक्ट करके भी अलग से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जाएंगे VS कोड में और अब ऐप के अंदर हम ऑलरेडी हैं, एंड्रॉयड ऐप SRC मेन और फिर हमारी android manifest.xml, ठीक है। ये वाली फाइल ओपन करना और ये मैनिफेस्ट के बिल्कुल नीचे यानी कि इस एंड वाले ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम कर देंगे उन्हें पेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों आ गई हमारी लोकेशन की परमिशंस और अब वो तीसरी वाली भी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और उसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ गई हमारी लोकेशन की परमिशंस, ठीक है। तो हमारा जियो लोकेटर का सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर तुम iOS में टेस्ट करने वाले हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने info.plist फाइल में, जो कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे तुम्हें, iOS और रनर और ये भी तुम्हारी info.plist। तो तुम्हें बस करना ही है ये वाली की और स्ट्रिंग उठानी है और इन्हें यहाँ पे पेस्ट कर देना। चाहो तो ऊपर कर दो या नीचे कर दो, तुम्हारी मर्जी है। तो बस उसे यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना और तुम्हें यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग दे रखी है इसके अंदर तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा कि तुम लोकेशन क्यों यूज़ करना चाहते हो, देख रहे हो ना, क्योंकि NS लोकेशन व्हेन इन यूजेज डिस्क्रिप्शन। तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना है कि तुम लोकेशन वाली प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हो या फिर लोकेशन को एक्सेस क्यों मांग रहे हो। तो iOS के लिए बस इतना ही सेटअप करना है, बाकी तुम सब कुछ इग्नोर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं असली एक्चुअल कोडिंग करके। तो ऐप हमारी ऑलरेडी रन हो रखी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। एक बार इसे रीलोड कर लेते हैं ताकि हमारे पैकेजेस सही से रीलोड हो जाएं। तो इस फोल्डर को बंद कर लेते हैं और अपनी मेन फाइल के अंदर अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने जियो लोकेटर को। तो यहाँ पे हम ऊपर कर लेंगे उसे इंपोर्ट geolocator.dart, ठीक है। अब मैं UI के अंदर हमारे इसे कंटेनर की जगह करूँगा मैं सेंटर
और सेंटर में हम रखेंगे एक एलिवेटेड बटन, ठीक है। ऑन प्रेस अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं, और चाइल्ड में हम देंगे टेक्स्ट गेट करंट पोजीशन। तो जब भी मैं इस बटन पे टैप करूँगा तो होगा ये, हमारे डीबग कॉन्सोल में हमारी करंट पोजीशन यानी कि हमारा जो करंट लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बटन। अब जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं ये सारा काम करने के लिए। तो मैं लूंगा void get current position, ठीक है। इसे async मार्क कर देंगे क्योंकि हमें await यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पोजीशन फेच करते हैं तो वो एक फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर को हमें रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम async यूज कर रहे हैं ताकि हम await यूज कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने जियो लोकेटर पैकेज को यूज करना। हमें चेक करना है परमिशन कि हमारे पास लोकेशन यूज करने की परमिशन है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंगे एक लोकेशन परमिशन, ये जियो लोकेटर के अंदर आता है पहले से, और परमिशन इक्वल टू अवेट जियो लोकेटर डॉट चेक परमिशन, ठीक है। तो होगा ये, हमारा जो जियो लोकेटर है वो परमिशन चेक करेगा कि हमारे पास परमिशन है या नहीं लोकेशन को यूज करने की, और उसे हमारे इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे इफ परमिशन डबल इक्वल लोकेशन परमिशन डॉट डिनाइड, ठीक है। यानी कि हमें परमिशन जो है डिनाई कर दी गई, या फिर हम लिखेंगे और इसे फिर से कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिनाइड फॉर एवर, ठीक है। तो अगर हमारी परमिशन डिनाइड है या फिर डिनाइड फॉर एवर है तो हम प्रिंट कर देंगे कि परमिशंस नॉट गिवन, ठीक है। लेकिन एल्स यानी कि अगर हमारे पास परमिशन है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, हम लिखेंगे पोजीशन करंट पोजीशन इक्वल टू अवेट जियो लोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन। तो ये जो गेट करंट पोजीशन फंक्शन होता है ये एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है, ठीक है। तो वो आर्ग्यूमेंट होता है डिजायर्ड एक्यूरेसी, यानी कि ये जो हम करंट पोजीशन मांग रहे हैं इससे तो उसकी डिजायर्ड एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारी ऐप कोई ऐसी ऐप है जो कि बहुत ही लोकेशन प्रिसाइज है, ठीक है, यानी कि तुम्हें तुम्हें जितनी ज़्यादा हो सके लोकेशन प्रिसाइज चाहिए, तो उस केस में तुम डिजायर्ड एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, या फिर अगर तुम्हें बस एक रफली एक पोजीशन चाहिए डिवाइस की तो तुम डिजायर्ड एक्यूरेसी को कम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मान लो तुम्हारी कोई डेटिंग ऐप है तो तुम्हें डिजायर्ड एक्यूरेसी ज़्यादा हाई रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम वहाँ पे एक इंसान को रफली एक पोजीशन दे सकते हो कि ये जो दूसरा यूज़र है वो तुमसे लगभग 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन अगर तुम मान लो एक GPS ऐप बना रहे हो यानी कि नेविगेशन ऐप, जहाँ पे मतलब लोकेशन एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए कि तुम कहाँ पे हो इस वक्त, कि कौन सी रोड कहाँ पे है और सब कुछ, तो उस केस में डिजायर्ड एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अभी के लिए तो डिजायर्ड एक्यूरेसी को कर देंगे लोकेशन एक्यूरेसी डॉट बेस्ट, यानी कि जो भी हमारी बेस्ट एक्यूरेसी हो सकती है जितनी ज़्यादा हो सकती है हमने वो यूज़ कर ली। बाकी तुम चाहो तो लोकेशन एक्यूरेसी डॉट, तो तुम देख सकते हो ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, बेस्ट, बेस्ट फॉर नेविगेशन, हाई, लो, लोएस्ट, मीडियम, रिड्यूस्ड, ठीक है। और तुम्हें इसमें रेंज भी मिल जाएगी, देखो जैसे अगर मैं मीडियम पे हूँ तो यहाँ पे मुझे रेंज बता रहा है, ठीक है, कि लोकेशन इज एक्यूरेट विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ऑन iOS एंड बिटवीन 100 मीटर्स एंड 500 मीटर ऑन एंड्रॉयड, ठीक है। तो 100 से 500 मीटर तक का उसमें डिफरेंस हो सकता है एक्चुअल पोजीशन और उसके अंदर, तो लेकिन हाँ तुम्हें रफली एक ओवरऑल पोजीशन पता लग सकती है इससे भी। तो अभी के लिए तो हम बेस्ट रख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो तो 0 मीटर से 100 मीटर तक है बस, यानी कि बहुत एक्यूरेट है, काफ़ी एक्यूरेट है, तो बेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे करंट पोजीशन डॉट। अब देखो यहाँ पे हमें फिर से बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं एक पोजीशन के अंदर, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी, ठीक है, एल्टीट्यूड, फ्लोर, हेडिंग, इजमॉग, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्पीड, स्पीड एक्यूरेसी, तो मतलब सब कुछ है यहाँ पे, जितने भी तुम प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो। एक टू जेसन भी है जिससे तुम सीधे सीधे उसे जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, और तो हाँ सारी हैं चीज़ें यहाँ पे। तो हम लेंगे लेटीट्यूड और उसे करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है हमारा लेटीट्यूड, ठीक है। और ऐसे ही हम प्रिंट करेंगे अपना लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हमने किया ये कि हमने करंट पोजीशन उठाई
और हमने एक्यूरेसी ली उसकी बेस्ट और फिर उसे इस वाले वेरिएबल में प्लेस कर दिया, ठीक है, यानी कि हमारे करंट पोजीशन में, और फिर उस करंट पोजीशन के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को प्रिंट कर दिया। तो अब हम इस वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने इस एलिवेटेड बटन में। यहाँ हम लिख देंगे गेट करंट पोजीशन और ऐप को एक बार रीलोड कर लेते हैं और अब अपने बटन पर टैप करके देखते हैं होता क्या। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ गई, और अगर ये सेम एरर तुम्हारे पास आए, यानी कि ये वाली नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर मेथड चेक परमिशन ऑन चैनल, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपनी ऐप को बंद करो और टर्मिनल में आओ, लिखो फ्लटर क्लीन, ठीक है, तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा और बहुत सारी एरर्स भी आ जाएंगी, तो उससे घबराना मत। अब लिख दो फ्लटर पब पब कैट, ठीक है, तो ये सारी एरर्स चली जाएंगी और तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट जो है, सारे पैकेजेस वगैरह रिफ्रेश हो जाएंगे। तो टर्मिनल बंद करते हैं और फिर से ऐप को रन करते हैं। ओके, तो ऐप हमारी रन हो चुकी है फिर से, और फिर से एक बार अपने इस बटन पर टैप करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा तुमने क्या आया, यहाँ पे आया परमिशंस नॉट गिवन, यानी कि हमारी ऐप को अभी परमिशंस नहीं है हमारी लोकेशन यूज़ करने को। तो उस चीज़ के लिए हम जियो लोकेटर पैकेज से ही आस्क भी कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि हम परमिशन ले सकते हैं या नहीं, यानी कि परमिशन मांग सकते हैं। तो इस प्रिंट के नीचे मैं लिख दूंगा जियो लोकेटर डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जियो लोकेटर है वो रिक्वेस्ट करेगा परमिशन। और यहाँ देख सकते हो ये फिर से एक फ्यूचर है जो कि लोकेशन परमिशन लेता है, ठीक है, तो चाहो तो उसे स्टोर कर लो एक वेरिएबल में, लोकेशन परमिशन परमिशन आस्क, ठीक है, इसका वेरिएबल का नाम मैं आस्क रख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा अवेट, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं और टैप करते हैं इस पर, तो ये देख सकते हो उसने हमसे पूछ लिया क्या हम इस ऐप को अलाउ करना चाहते हैं हमारी लोकेशन यूज़ करने के लिए या फिर नहीं। तो अगर मैं इसे अलाउ कर दूं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं फिर से गेट करंट पोजीशन पे क्लिक करूं, तो देख सकते हो यहाँ पे ये आया कि हम तुम्हारी लोकेशन यूज़ कर रहे हैं और ये वो, तो इस पर ध्यान मत देना, ओके करो। और ये देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, तो अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्यूरेटली मेरे नहीं है कि जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, मैं इंडिया में हूँ न्यू दिल्ली में, लेकिन ये मेरे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं है, ये बेसिकली एक एम्यूलेटर में हम चला रहे हैं, तो इसलिए ये फेक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं। अगर तुम इसे एक्चुअल डिवाइस में चलाओगे तो तुम्हारी एक्चुअल लोकेशन उसमें आएगी। तुम चाहो तो गूगल मैप्स पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डाल के उसे चेक भी कर सकते हो यहाँ तक कि। तो हाँ, तो ये था कि कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, और इसके अंदर और भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं हमारे जियो लोकेटर पैकेज के अंदर। जैसे कि अगर तुम्हें दो पोजीशंस हैं तुम्हारे पास, मान लो हमारी ये करंट पोजीशन है और हमारे पास एक और पोजीशन है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई डेटिंग ऐप्स वगैरह के बारे में, ठीक है, तो हमारे पास दो पोजीशंस हैं, एक हमारे यूज़र वन की और एक हमारे यूज़र टू की, ठीक है, तो हमें उन दोनों की दूरी नापनी है, यानी कि कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, तो वो करने के लिए भी इसके अंदर ऑलरेडी फंक्शंस दिए हुए हैं। तो तुम यूज़ कर सकते हो जियो लोकेटर डॉट डिस्टेंस बिटवीन, अब ये चार आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है, स्टार्ट लैटिट्यूड, स्टार्ट लॉन्गिट्यूड, एंड लैटिट्यूड और एंड लॉन्गिट्यूड। बेसिकली ये है कि यूज़र वन का लैटिट्यूड और यूज़र वन का लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये दोनों वैल्यूज, और एंड लैटिट्यूड से मतलब यूज़र टू का लैटिट्यूड और यूज़र टू का लॉन्गिट्यूड, वो तुम्हें देगा एक डबल जो कि होगा बेसिकली मीटर्स में। तो अगर तुम उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो भी तुम्हें वैल्यू मिलेगी उसको 1000 से डिवाइड करो और तुम्हें वो वैल्यू किलोमीटर्स में मिल जाएगी। और होपफुली तुम लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये वाला फंक्शन है, हमने इसी के अंदर ऑलमोस्ट मेन चीज़ें जो थी वो सब कवर कर लिए हैं यहाँ पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होपफुली तुम लोगों को अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं देख रहा हूँ 80% लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। और अगर तुम मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है @rohitsamriwal। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।